पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी पीओके में भारतीय सेना की पहली सर्जिकल स्ट्राइक को एक साल पूरा हो गया है। इस मौके ने फिर से उन जवानों की वीरता को याद दिलाया है जिन्होंने अपनी जान की परवाह किए बिना दुश्मन को उसके घर में घुसकर मारा था। पिछले साल 28 सितंबर की रात आर्मी ने लाइन ऑफ कंट्रोल क्रॉस कर पीओके में आतंकियों के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक की थी। इसमें करीब 40 आतंकी मार गिराए गए थे और उसके 4 कैंप भी नष्ट कर दिए थे। आतंकियों के उरी अटैक का बदला लेने के लिए सेना ने यह कदम उठाया था। इसके तहत पैरा कमांडोज की 5 टीमें बनाई गई। हर टीम में 25 कमांडो थे। कुल 125 कमांडो रेंगते हुए पीओके में दाखिल हुए थे ताकि दुश्मन को भनक न लगे। रात 2:30 बजे के आसपास यह कमांडो आतंकियों के लॉन्च पैड तक पहुंचे। इनके अलावा सेना की एक और टुकड़ी को बैकअप के लिए साथ रखा गया था। कमांडोज के कैमरे में हेलमेट लगे हुए थे जिससे ऑपरेशन की पूरी मॉनिटरिंग की जा सके। इस ऑपरेशन की ड्रोन कैमरे से रिकॉर्डिंग भी करवाई गई। कमांडोज ने पीओके के अलग अलग सेक्टर में 4 आतंकी ठिकानों पर एक साथ हमला बोला। इन कैंपों में आतंकियों की ट्रेनिंग होती थी। इसके बाद उन्हें घुसपैठ कर LOC क्रॉस कराया जाता था। वहीं सर्जिकल स्ट्राइक को एक वर्ष पूरा होने पर जवानों का मनोबल बढ़ाने के लिए रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण जम्मू कश्मीर पहुंची। आर्मी चीफ जनरल विपिन रावत भी उनके साथ रहे। हाल ही म्यांमार में नागा उग्रवादियों के कैंप भी इसी तरह की कार्यवाही में नष्ट कर दिए गए थे।